रोहित शेट्टी बॉलीवुड का अजीत डोवाल है। ये बंदा सुपर कॉप्स की अपनी ही फौज तैयार करने में लगा हुआ है और बाजीराव सिंघम के बाद रोहित की अगली पेशकश है सिम्बा। जब शिवगढ़ में सिंघम भाव क्रिमिनल्स पर अपने पंजों के निशान छोड़ रहे थे तभी एक चतुर चंट बालक उनकी ही तरह पंजे चलाने सीख रहा था, लेकिन उसे शेर नहीं बिलौटा बनना था। ऐसा बिलौटा जिसे पुलिस की वर्दी से मक्खन निकालना था। लौंडे का नाम है संग्राम भालेराव उर्फ सिम्बा। सिम्बा का ट्रेलर चीख चीख के कह रहा है कि मैं तो मसाला एंटरटेनर हूँ, और रणवीर सिंह सिम्बा के कैरेक्टर को कितना एंजॉय कर रहे हैं ये तो हर सीन में नजर आ रहा है। गुंडे के बाद बंदे को अब जाकर फुल मास मसाला मूवी करने को मिली है, और रोहित शेट्टी का हीरो तो वैसे भी छप्पर तोड़ टाइप होता है। आधे ट्रेलर में तो सिर्फ रणवीर की एंट्री है, दौड़ते हुए एंट्री, बाइक पर एंट्री, इधर उधर सब जगह से रणवीर की एंट्री। सिम्बा के ट्रेलर का म्यूजिक, विजुअल, सिनेमेटोग्राफी सब तूफान है, और इस तूफान की कमान थामे घूम रहे हैं रणवीर सिंह। ऐसा भी नहीं है कि फिल्म में सिर्फ मसाला है, इसमें कहानी भी है, लेकिन वो काफी रेगुलर सी है। सबसे बड़ी बात, रोहित शेट्टी की फिल्म का ट्रेलर और उसमें कार नहीं उड़ रही। क्या सच में ऐसा पॉसिबल है? रणवीर सिंह के साथ फिल्म में लीड एक्ट्रेस है सारा अली खान, जिन्हें देखकर मुझे थोड़ी करीना कपूर टाइप फीलिंग आई। ट्रेलर में आशुतोष राणा, उल्का गुप्ता और कॉमेडियन सिद्धार्थ यादव भी हैं। सोनू सूद एक बार फिर अपने नेगेटिव अवतार में वापस लौट रहे हैं, और क्या दमदार लौटे हैं, उन्हें देख के मुंह से वाव निकल गया। लेकिन ट्रेलर का जो सबसे बड़ा धमाका है वह है सिंघम, बोले तो अजय देवगन की एंट्री। एक सीन में गुंडों ने सिम्बा को लपेट लिया है और बच्चा हेल्पलेस है, और ये तो सब जानते हैं कि शिवगढ़ सिंघम का गांव है, तो भैया सिंघम तो आएगा ना। कुल मिलाकर सिम्बा का ट्रेलर पूरी तरह रणवीर सिंह और अजय देवगन पर फोकस करता है, लेकिन इसकी कहानी थोड़ी घिसी पिटी सी है यार। और वैसे माइंडलेस मसाला फिल्मों को इस साल ऑडियंस ने बहुत सबक सिखाया है, लेकिन सिम्बा का क्या होगा ये तो 28 दिसंबर को ही पता चलेगा।